ज्यादा आज भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसकी चर्चा लगभग मरीज कभी भी अपने सगे संबंधी से, अपने डॉक्टर से डिटेल में अपनी बात नहीं कह पाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां बहुत लंबे समय तक अनडायग्नोज रह जाती हैं, इनका पूर्ण उपचार नहीं हो पाता है। तो आज हम जानेंगे एनोरेक्टल डिजीज के बारे में, एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स इन कैनाल, रेक्टम, उसकी एनाटॉमी, फिशर नैनो, हेमोरॉइड्स, पाइलोनेटल सैनस, फिस्टुला नैनो एंड रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ी एनोरेक्टल एनाटॉमी को जानते हैं। जब हम बात कहते हैं एनोरेक्टल एनाटॉमी की, तो इसमें अगर इंस्ट्रक्शंस में देखा जाए तो सबसे पहले यह आपका एक इंटरनल स्फिंक्टर, ये रहा। देन वी हैव एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये हमारा एनल वॉल्व जिसे हम कॉलम ऑफ मोराग्नी भी कहते हैं। ये फोल्ड्स हैं जिनके बीच में एनल साइनस डेवलप होता है। देन वी हैव अपर 15 mm, मिडल 15 mm एंड लास्ट 10 mm स्किन। ये एनल का हिस्सा, जिसके अंदर अगर हम रेक्टम को भी इन्वॉल्व करते हैं तो 3 वॉल ऑफ हस्टन होते हैं, सुपीरियर वॉल ऑफ हस्टन, मिडल वॉल ऑफ हस्टन एंड इंफीरियर वॉल ऑफ हस्टन। इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस से डेवलप होते हैं हमारे पाइल्स। म्यूकोसल सब म्यूकोसल एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें बेसिकली मिलते हैं एनल ग्लैंड्स, जिनकी सिक्रीशन से मॉइस्ट रहता है हमारा एनल एरिया। ट्रांसवर्स सेप्टम ऑफ इच्चोरेक्टल फोसा, ये हमारा इच्चोरेक्टल फोसा जो एक स्पेस है, जो स्पेस कह सकते हैं कि जब हम स्टूल पास करते हैं, पॉटी को क्लियर करते हैं, तो इस स्पेस के अंदर हमें क्या मिलता है, स्पेस एक्सपैंड कर जाती है हमारी एनल कैनाल और इजिली स्टूल को निकलने का रास्ता मिल जाता है। देन एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, जहां से डेवलप होते हैं हमारे एक्सटर्नल पाइल मासेस। अगर हम बात करें अब नर्वस सप्लाई की, तो नर्वस सप्लाई में हम देखते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, हेमोरॉइडल कॉम्प्लेक्सेस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, पैरासिंपैथेटिक नर्विन जेनिटिस, पुडेंटल नर्व, मोटा एंड सेंसरी, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। इस पुडेंटल नर्व की सप्लाई की अगर हम बात करें तो एक इंसान के स्कॉटम पर, उसके पेनिस पर, गुदा मार्क पर, देन फीमेल के वजन लेबिया मेजोरा मेनोरा, देन वजन वॉल, यूट्रस, ब्लैडर, इन सबका एक कंबाइंड कंट्रोल हमारे L4-L5 से जनरेट होता है, जहाँ से पुडेंटल नर्व का ओरिजिन है, और यहाँ से सेंसरी और मोटार एक्शंस होते हैं। अच्छा, यूजुअली हमने देखा है बहुत सारे लोगों में क्या होता है, जब हम यूरिन करने जाते हैं तो कई बार फ्लेटस आ जाता है, यानी कि पाद आ जाता है, हवा पास हो जाती है। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, कई बार हम स्टूल पास करने जाते हैं तो यूरिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। बहुत बार जब गायनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो देखते हैं कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो स्टूल और यूरिन साथ में निकल आता है, क्योंकि सबका नर्वस सप्लाई कंट्रोल सेम है। इसी प्रकार जब हम बात कहते हैं इन्फीरियर रेक्टल एंड मिडल रेक्टल आर्टरी की, वो हमारी मेन सप्लाई है, अबव डेंटेट लाइन हम बोलते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, बिलो डेंटेट लाइन हमारी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। ऐसे ही अबव डेंटेट लाइन, डेंटेट लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे एनल कैनाल के एनल वॉल्व से स्टार्ट होती है अपर एंड, और इसका लोअर एंड जो होता है वो मिडिल 15 mm से स्टार्ट होता है। इन दोनों के बीच में एक डेंटेड लाइन के फॉर्म में रहती है, और डेंटेड लाइन से ऊपर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल वेन, इसी प्रकार डेंटेड लाइन से नीचे इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन हमें देखने को मिलती है। लिम्फेटिक्स की बात करें तो अबव डेंटेड लाइन या पेक्टेट लाइन, जिसे हम कह सकते हैं इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट रहती है, और अगर हम बात करें सुपरफिशियल
लिम्फ नोड्स की, ये हमेशा बिलो पैक्टेड लाइन के सपोर्ट से अपना एक्शन करते हैं। लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट आप इसी बात से जज कर सकते हो कि इन्फेक्शन डेंटेड लाइन के अगर नीचे हुआ है तो सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे, और डेंटेड लाइन के ऊपर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे जो एनलार्जमेंट होगी लिम्फ नोड्स की वो मेसेंट्रिक या इलियाक लिम्फ नोड्स की होगी। इसके ऊपर हम आगे चलते हुए देखते हैं इसके हेमोरॉइड्स की अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो हेमोरॉइड्स क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीक वर्ड है ब्लड, रूज मींस फ्लोइंग, देन सिम्टम्स पाइल्स इसका लैटिन मतलब एक बॉल, एक ऐसी बॉल जिसके अंदर से खून निकलता हो उसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। इसी प्रकार हेमोरॉइड्स आर नॉर्मल वास्कुलर कुशन सस्पेंडेड इन दी सब म्यूकोसल लेयर ऑफ इल कैनाल बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फाइबर्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स आर सिम्टोमैटिक इन कुशंस एंड करेक्टली लाइन इन 3-7-11 पोजिशन। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सर ये 3-7-11 पोजीशन है क्या? देखा जाए तो 3-7-11 जब मरीज लिथोटमी पोजीशन पे लेट जाए, यानी अगर मरीज सीधा लेटा है दोनों पैर को पेट में मिला ले, तो घड़ी का तीसरा कांटा, घड़ी का सातवां कांटा और घड़ी का ग्यारहवां कांटा जहां होता है वो तीनों जगह 3-7-11 मेजर सप्लाई होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्मॉल वेसल्स की सप्लाई होती है बाकी जगह पर, यानी 3-7-11 पे हमारी सुपीरियर रेक्टल वेनस प्लेक्सस की इन्वॉल्वमेंट और उसकी सब्सिडरी या उसकी मैं बोलूं कि स्मॉल सप्लाईज चैनल्स वो बाकी जगह पाए जाते हैं। तो पाइल्स की अगर हम बात करें तो हमारा मेन केंद्र बिंदु हमेशा 3-7-11 पे ही केंद्रित होना चाहिए। एक्सल हेमोरॉइड्स ये वास्कुलर चैनल्स हैं इन्फीरियर हेमोरॉइड्स प्लेक्सस के डीप इन द स्किन अराउंड द एनल वर्ज। अच्छा, ये कैसे पाइल मासेस होते हैं? अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये गुदा मार्ग है, इस गुदा मार्ग पे 3-7-11 यूजली इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको समझना यही है कि जो इंटरनल पाइल मास है या एक्सटर्नल पाइल मास है इन दोनों की सप्लाई अलग अलग है। इंटरनल वाले की सप्लाई हमारी सुपीरियर वेनस प्लेक्सस से है और एक्सटर्नल वाले की सप्लाई हमारी इंफीरियर वेनस प्लेक्सस से है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो आपको अगली क्लैरिटी हो जाएगी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए रेक्टल म्यूकोजा है, लेवेटर एनाई मसल है, डीप सबक्यूटेनियस सुपरफिशियल एक्सटर्नल स्पेशल एनाई मसल है, स्किन है, स्क्वेमस म्यूकोजा है, डेंटेड पेक्टेड लाइन है, कॉलम ऑफ मुरैग्नी है। ये जो कॉलम ऑफ मुरैग्नी है इसमें अगर इंजरी होती है तो डेवलप होता है फिशर इसमें इंजरी की वजह से। अच्छा, इसके बीच की जो स्पेस है अगर इसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो एनल साइनस और एनल एब्सेस जो बाद में बर्स्ट करके फिस्टुला के फॉर्म में बाहर निकलता है। बैकग्राउंड अगर देखें, दे आर दी पार्ट ऑफ नॉर्मल एनोडर्मा कुशंस, दे आर दी एरिया ऑफ वास्कुलर एनास्टमोसिस इन अ सपोर्टिंग स्टोमा ऑफ एपिथेलियल स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रीब्यूट 15-20% ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग प्रेशर, फीड वाइटल सेंसरी इंफॉर्मेशन। आपको सिर्फ समझना है ये जो कुशन है इसका मेन काम यह है कि पॉटी जब आएगी या भर जाएगी तो ब्रेन को एक सेंसर भेजेगा कि अब डिफिकेशन का टाइम आ गया। ये जो सिग्नल भेजता है तभी हम एक्ट ऑफ डिफिकेशन यानी कि स्टूल पास करने के लिए, पॉटी पास करने के लिए हम लू में जाते हैं या हम टॉयलेट में जाते हैं, स्थान ढूंढते हैं, लेकिन जब तक ऊपर से कंप्लीट कमांड नहीं आती तब तक हम स्टूल पास नहीं कर पाते। थ्री मेन क्वेश्चन आर फाउंड, लेटरल एंटीरियर पोस्टीरियर। तो तीन मेन क्वेश्चन है, लेटरली दोनों साइड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी ऊपर की तरफ अगर मरीज लेटा हो
नीचे की तरफ और दोनों लेटरल साइड, ये क्वेश्चंस रहते हैं। बट कैन बी फाउंड एनीवेयर इन एनस, प्रेवलेंस इज 4%। पैथोजेनेसिस, एबनॉर्मल हेमरॉइड्स आर डायलेटेड कुशन ऑफ आर्टीरियो वेनस प्लेक्सिस विद स्ट्रेच सस्पेंसरी फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा विद प्रोलैप्स रेक्टल म्यूकोसा। आपको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो होता क्या है, सबसे पहले होती है जी कब्जी, कॉन्स्टिपेशन होगी। अब कॉन्स्टिपेशन अगर हमारे को हुई, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हुई, कॉन्स्टिपेशन से आप लगाओगे जोर, जिसे आप कहते हो स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग से क्या होगा, इनक्रीज वास वेनस प्रेशर बढ़ेगा, वीकनेस इन सपोर्टिंग मस्कुलर स्ट्रोमा हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रेजुअली बार बार प्रेशर आप डालोगे तो धीरे धीरे करके जो आसपास की मसल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं इन कैनाल को, वो वीक होती जाएंगी, और उसके बाद इंक्रीज इंटरनल स्पिंस्टर टोन बढ़ जाती है, यानी मसल टोन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप प्रेशर डाल रहे हो और ऊपर से पेरिस्टाल्टिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो स्पिंस्टर है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, और उस सख्त की वजह से आपका पाइल्स डेवलप हो जाता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखने वाली बात की अगर हम चर्चा करते हैं तो पैथोलॉजिकल क्रॉनिक डायरिया बहुत बड़ा कारण है पाइल्स का, कोलोन मेलेग्नेंसी, इसकी अगर हम कॉम्प्लिकेशन या रिस्क फैक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कोलोन यानी कि गुदा मार्ग का कैंसर होना, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है कि पोर्टल हाइपरटेंशन के बिना दुनिया में कोई भी पाइल्स पैदा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में मेसेंट्रिक वेनस सप्लाई, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा पोर्टल वेन के जगह पर आकर मिलते हैं। एक्चुअली देखें तो पोर्टल वेन जो बनती है वो मेसेंट्री और इन्फीरियर वेना केवा को मिला के बनती है, और जब वो लिवर से पास ऑन हो जाती है तो सुपीरियर वेना केवा आके जुड़ जाती है। तो पोर्टल वेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिवर अगर ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, उसका डाइजेशन प्रोसेस ठीक नहीं है, तो ही आपको पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी। हाइपरटेंशन को अगर हम बात करें तो हम अपने प्रैक्टिशनर जानते हैं, कोलेस्ट्रीमिया सबसे पहला रीज़न है भाई, कोलेस्ट्रॉल का बनना, फैटी लिवर हो जाना, डाइजेशन ठीक ना होना हमारी बॉडी के अंदर डेवलप करता है कोलेस्ट्रॉल को, फ्री कोलेस्ट्रॉल को, जो हमारे ब्लड वेसल पे घूमता है और हमारे बीपी को राइज करता है, क्योंकि उसी की वजह से प्रेशर पड़ता है हमारी किस पे, आर्टरी पे, और हार्डनिंग ऑफ वेसल। जब हम वेन की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इनडाइजेशन होने की वजह से जो अम्लत्व बढ़ गया, चिकनाई बढ़ गई, वो भी ब्लड में सर्कुलेट कर रही है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो भी वेन से ट्रांसमिट हो रही है ऊपर की तरफ, और जब वो लिवर तक पहुंचता है तो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन कर देता है, यानी लिवर से ही इनडाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अंत में रिटर्न भी उसी को वापस मिलता है फैटी लिवर फॉर्म करके। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिन लोगों को हो जाए उनमें हाई चांसेस है पाइल्स होने के, रेक्टल सर्जरी हुई हो किसी की तो भी चांसेस हैं, एपिजोटमी हुई हो, एनल इंटरकोर्स हो तो भी बीमारी आपको हो सकती है। हैबिटेट, कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग, यानी ये तो बीमारियां थी लेकिन हमसे जानबूझ के क्या गलती होती है, सबसे पहली है जी कब्जी, कब्जी होना और जोर लगाना, उसके बाद लो फाइबर फैट स्पाइसी डाइट। इसमें किसी ने भी प्रश्न पूछा है कि प्रेगनेंसी में भी पाइल्स होते हैं, जी हाँ, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एपिजोटमी जो शब्द यूज किया गया उसको ऐसे समझिए कि जब गर्भवती स्त्री होती है तो गर्भवती स्त्री में उसके पेट में जो बच्चा रहता है उससे ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर यूजली कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है जिससे स्त्री को स्ट्रेन करना पड़ता है और हमारा म्यूकोसा के अंदर ब्लड भर जाता है और ब्लड भरने की वजह से पाइल्स डेवलप हो जाता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग इन टॉयलेट, यस, आजकल का जो ट्रेंड है लोग फेसबुक पे अपना रील अपडेट, इंस्टा पे स्टोरी कहाँ बैठ के डालते हैं जी, टॉयलेट में। टॉयलेट में पहले लोग अखबार पढ़ते थे, आज मोबाइल यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। प्रेगनेंसी जैसा मैंने आपको बताया अभी, एजिंग बिल्कुल, जब बुढ़ापा होता है तो आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो, मसल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन लटक जाती है और पाइल्स बाहर प्रोट्रूड कर जाते हैं। ऑफिस वर्क एंड ओबेसिटी,
यानी सिटिंग जॉब जो बहुत लंबे समय तक करते हैं, उन लोगों में भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पाइल्स नीचे की तरफ खिंचाव लेते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली अगर हम समझें, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जिसके अंदर वेट है उसको ग्रेविटेशनल पुल नीचे खींचेगा ही खींचेगा। तो आपके वेन्स के अंदर जो अम्लत्व बढ़ गया, पार्थिव विकृण बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वो नीचे की तरफ पुल लेता है और पाइल्स को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फैमिली टेंडेंसी, बिल्कुल सही बात है, फैमिली टेंडेंसी के अंदर बोलें तो रेक्टल पॉलिप जिन बच्चों को होता है, जिसे हम जन्मजात अर्श कहते हैं या सहज अर्श कहते हैं, यह अर्श कब होते हैं? जब मदर फादर के अंदर बॉडी में डिस्टर्बेंस चल रहा हो या मदर फादर पाइल से ग्रसित हो तो बच्चों में होने का हाई चांस बना रहता है। इसके ऊपर अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अब अगला प्रश्न इसके ऊपर आया, पाइल्स क्यों होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो मैं आपका जवाब देता हूं। देखिए, पाइल्स से बचने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि आपको कब्जी में जोर नहीं लगाना। कब्जी से बचने के लिए आपको 2 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है और घूट घूट करके पानी पीना है। सलाद आदत में लेना है कि आपको खाना ही खाना है। डिलेड ऑफ फूड नहीं करना, यानी कि 1 बजे 2 बजे खाना नहीं खाना है। उसके अलावा फास्ट फूड, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाना, अनटाइमली फूड हैबिट रखना, इनको अवॉइड करना है। इसी प्रकार उन्हें पूछा कि जी फिस्टुला होने के क्या कारण होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। पाइल से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, निदान परिवर्जनम एव चिकित्सा। अगर आप जो गलती कर रहे हैं उसको अगर आप समझ लें कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। फाइबर रिच डाइट किस में होती है? ग्रीन वेजिटेबल्स में होती है। कुकुम्बर यानी कि खीरा, टमाटर, ककड़ी, मूली, इनका प्रयोग अच्छा करें। सुबह एम्प्टी स्टमक चाय छोड़ दें। चाय पीने की अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो पहले गर्म पानी पिए, उसके बाद फ्रेश होने के बाद, या पहले फ्रेश हो जाते जो लोग वो नॉर्मल वाटर पिए गर्म, उसके उपरांत आपको क्या करना है, फल खाने हैं 4 प्रकार के कोई भी, क्योंकि लिवर को एक्टिवेट करना है। डाइजेशन अच्छा होगा तो कब्जी नहीं होगी, और कब्जी नहीं होगी तो बवासीर नहीं होगी। तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि पाइल्स एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसके बाद एक ने पूछा फिस्टुला कितने दिन में ठीक हो जाता है। तो फिस्टुला की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पाइल्स में क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, तो मैंने खाने के बारे में आपको बताया। इसके अंदर सबसे ज्यादा अवॉइड वो चीज करनी है जो डिले टाइम लेते हैं डाइजेशन में। कोई भी नॉनवेज अगर आप लेते हो, प्रोटीन प्रोडक्ट लेते हो, तो बहुत लंबा समय लेते हैं। फास्ट फूड कहने के लिए जल्दी बनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करनी है, ज्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, टी कॉफी ज्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर आप लेते हैं तो आप पाइल से ग्रसित होंगे ही होंगे। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ प्रोलैप्स थ्रू एनस, ब्लीड बट नॉट प्रोलैप्स, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, मैन रिडक्शन एंड नॉट रिड्यूसिबल। इसको अगर आगे आप फिगर में देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। पहला क्या होगा जी, मस्सा बनेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, जोर लगाने पे भी नहीं आएगा, फर्स्ट डिग्री पाइल्स। सेकंड, बाहर आएगा लेकिन जोर लगाते बंद करते ही तुरंत अंदर चला जाएगा। थर्ड डिग्री, बाहर आ जाएगा लेकिन अपने आप अंदर नहीं जाएगा, उंगली से अंदर करना पड़ेगा। और जो फोर्थ डिग्री पाइल्स होता है वो अंदर से बाहर आ जाता है और कभी भी अंदर नहीं जाता है। इसी प्रकार पाइल्स अंदर वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं, और मिक्स भी होते हैं, अंदर से लेके बाहर तक भी होते हैं। थ्रोम्बोस पाइल, ये एक अलग तरह का पाइल मास होता है। अगर आप ध्यान से देख पाए तो एक ये पाइल्स बना है, इस पाइल्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये पाइल्स है, और ये जो काला काला हमको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, क्यूटेनियस वेन, जोर लगाया, खून की नस फटी, खून जमा हो गया लेकिन बाहर नहीं निकला। जो खून जमा हो गया, अब ये उठते बैठते वक्त बहुत सीवियर पेन करेगा, जिसको हम थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स भी कहते हैं। फर्स्ट डिग्री पाइल्स अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो आपको दिखेगा ये प्रोक्टोस्कोप में, ये जो सूजा सूजा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये है फर्स्ट डिग्री पाइल्स, अगर प्रोक्टोस्कोप में चेक किया गया। सेकेंड डिग्री पाइल्स, जोर लगाने पे बाहर आया, जोर लगाते बंद करते फिर से अंदर चला गया, इसलिए कहते हैं रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली।
अगला एहसान, पाइल्स अंदर से बाहर आता है और अंदर नहीं जाता बिनवा मैनुअल, यानी उंगली के बिना। यहां पर एक और क्वेश्चन आया, क्या पाइल्स में खून आना नॉर्मल है? देखिए, पाइल्स में खून आने के लिए आपको समझना पड़ेगा चार प्रकार के अर्श होते हैं। वातज, जिसमें दर्द होता है, वो होते एक्सटर्नल पाइल मास, उसमें ब्लड नहीं आता। पित्तज, जिसमें पॉटी में मिक्स ब्लड आता है, पॉटी करने से ब्लड पहले ब्लड गिरता है, उसे हम इंटरनल पाइल्स की कैटेगरी में कहते हैं। थर्ड होते हैं हमारे, जिसे हम बोले रक्तज, जिसमें खाली ब्लड ही गिरता है, पॉटी में जाओगे पॉटी आए ना आए खाली ब्लड ही आएगा। और फोर्थ जो होता है, जिसके अंदर इचिंग होती है। इसके अलावा कई पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि खुजली जैसा रिसाव पानी की तरह साथ में आ रहा होता है, जिसे हम कफज अर्श कहते हैं। तो फाइल्स में खून आना ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, कैटेगरी अगर उसकी पित्तज है, इंटरनल पाइल्स की है, तो ब्लड आएगा ही आएगा। रक्तज है तो ब्लड आएगा ही आएगा, लेकिन वात और कफ में ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए लोग खूनी और बादी दो प्रकार की बवासीर जानते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री इंटरनल थ्रोम्बोस पाइल्स। अगर फोर्थ डिग्री इंटरनल हेमरॉइड्स की बात करें, तो इन पाइल्स में देखिए, ये अंदर से लेके बाहर तक आ गए हैं। अभी हमसे किसी ने पूछा, व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ पाइल्स? बवासीर के लक्षणों मैंने अभी आपको चार प्रकार के बताए कि मरीज को दर्द भी हो सकता है, मरीज को खून भी आ सकता है, मरीज को लैटरिन के रास्ते में जलन भी हो सकती है, और मरीज को उसके साथ में खुजली और रिसाव भी आ सकता है। ये पाइल्स पैदा होने के लक्षण है। लेकिन इसके अलावा आपके पेट में गैस बनना, पेट का फूल जाना, बार बार पेट में गैस बन के गुब्बारा जैसा महसूस होना, ये पाइल्स का लक्षण है। आपके लिवर की फंक्शनिंग कमजोर हो गई है, खाना नहीं पचता, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं करती, ये भी पाइल्स का लक्षण है। आपके मसल वेट लॉस हो रहा है, आप सूखते जा रहे हो, ये भी पाइल्स के लक्षण है। आपको इनडाइजेशन रहता है, जीभ आपकी सफेद होगी, ये भी पाइल्स के लक्षण है। और यहां तक आचार्य चरक ने कहा भ्रमा और कलमा, यानी कि मरीज डिस्टर्ब रहे, उसका कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो गया हो, और उसको फेंटिंग तक हो जाए, ऐसे भी बवासीर के लक्षण होते हैं। बहुत से पेशेंट के अंदर पाइल्स वाले पेशेंट में हार्ट में कंजेशन फील होना, क्योंकि अगर आप आज भी हैरिसन उठा के पढ़ें तो क्लियरली मिलता है कि जिनको कार्डिक डिसऑर्डर है उनको पाइल्स 101% होता ही होता है। अब अगला सवाल आया, फिस्टुला क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? अभी हम इसको चर्चा करेंगे फिस्टुला के ऊपर। जब फिस्टुला देखेंगे तो अभी आप देख पा रहे हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 कोलैप्स फाइल। इसके एग्जामिनेशन करने का तरीका अगर देखें, इसके अंदर आ गया हेमरॉइड्स डायरेक्टेड, ऐसे पेशेंट में पेन होगा, लंप होगा, प्रोलैप्स मस्सा बाहर निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, खुजली होगी, और कई बार मरीज के अंदर क्या होता है कि फ्रेश ब्लड गिरता है। जनरल जीआई के अंदर बाउल हैबिट डिस्टर्ब हो जाएंगी, म्यूकर डिस्चार्ज होगा, टेनेसमस पेन का मतलब बार बार दबाव लगेगा, कमर में दर्द भी बवासीर का एक लक्षण है, क्योंकि पुरेंटल नर्व इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको कहा, वेट लॉस हो जाना, एनरेक्सिया हो जाना और अदर सिस्टमिक इंजरी हो जाना। इसके बाद लोकली अगर हम देखें तो देखने में डॉक्टर को क्या दिखेगा, आपको लंप दिखेगा, कलर का चेंज दिखेगा, फिशर दिखेगा, फिस्टुला दिखेगा, एब्सेस दिखेगा। इनकी पहचान करने के लिए आवश्यकता पड़ती है प्रोक्टोकोलॉजिस्ट की, जो प्रोक्टोस्कोप के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि आपको बवासीर है, फिशर है या फिस्टुला है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो प्रोक्टोस्कोपी इकलौता ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे क्लियर कट पता लग जाता है कि पेशेंट को फिशर है कि फिस्टुला है या फिर पाइल्स है। इसके अलावा बहुत बार हम सिग्मोइडोस्कोपी और क्रोनोस्कोपी का भी प्रयोग लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? अल्सरेशन हो जाना, जैसे आप देख रहे हैं ये थ्रोम्बोसिस हो गया, ब्लीडिंग गिर रही है। ये अगर ध्यान से देखें आप इस फिगर को, तो ये इस प्रकार गोला आकार के अंदर हमारा ऐसा मस्सा बन जाता है या इस प्रकार ब्लीडिंग होती है। ये स्थिति ये अंदर से बाहर के मस्से की भी हो सकती है और एक्सटर्नल पाइल्स की भी हो सकती है, थ्रोम्बोस पाइल्स की भी हो सकती है। लेकिन इसका डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर को डिजिटली यानी गुदा मार्क का एग्जामिन करके ही इसका फैसला हम कर पाएंगे।
अब इसी के अंदर हमने बात करी अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, सेप्सिस, एब्सेस फॉर्मेशन एंड इनकॉन्टिनेंस। यानी इनकॉन्टिनेंस का मतलब लैटरिंग का कंट्रोल खत्म हो गया। अब इंटरनल हेमोरॉइड्स मैनेजमेंट की बात करें तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, हाई फाइबर डाइट लीजिए, स्टूल सॉफ्टनर लीजिए, बाथिंग इन वार्म वाटर, यानी ये टब लेना है आपको, गर्म पानी करना है, उसमें बैठ जाना है। इससे क्या होता है कि मांसपेशी की सिकाई होती है और सूजन कम हो जाती है, जिससे जो हमारा पाइल्स है वो बाहर कम निकलता है और हमारे एक्यूट पेन में रिलीफ मिलता है। टॉपिकल ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं बस्ती चिकित्सा, यानी कि अगर मात्रा बस्ती दी जाए पाइलोकेयर ऑयल के साथ, जात्यादी के साथ या काशिश्यादी के साथ, तो मरीज को ज़्यादा फायदा मिलता है। ब्लीडिंग होती है तो हम दूर्वादी तेल का प्रयोग करते हैं, अगर बर्निंग हो रही है तो हम दाढ़ी मास्टिक का प्रयोग करते हैं या हम मधुएष्टी तेल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर बोले कि म्यूकस आ रहा है तो पिपली आदि तेल का प्रयोग भी हम प्रैक्टिस में करते हैं। अगर सडन सीवियर ब्लीडिंग प्रोडक्टम हो जाए अडल्ट में तो व्हाट कुड बी, देखिए अगर सीवियर ब्लीडिंग हुई तो इट मे बी पाइल्स, इट मे बी फिशर एंड इट मे बी सीए एंड इट मे बी अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब आपको ब्लीडिंग के लिए डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। ब्लीडिंग अगर पिचकारी की तरह खून गिर रहा है लैटरिंग करने से पहले तो वो बवासीर है, पॉटी करने के बाद ब्लड आ रहा है तो वो फिशर है, और पॉटी के अंदर मांस के टुकड़े यानी कि क्लॉटेड ब्लड आ रहा है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और हल्का सा भी हाथ लगाते पिचकारी की तरह खून आए किसी भी टाइम आ जाए बिना पॉटी पास करे तो वो कैंसर है। अब एक सवाल पूछा गया कि कैन बी द पाइल्स बी प्रिवेंटेड एंड व्हाट द लाइफस्टाइल चेंज कैन बी हेल्प। तो लाइफस्टाइल मैंने आपको जो बताया है कि आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, फाइबर रिच डाइट लेनी है, आपको निरंतर 2 से 4 लीटर तक पानी पीना है, और उसके अलावा आपको टाइमली फूड हैबिट्स को डेवलप करना है, रफेज ज्यादा लेना है, नॉनवेज को कम करना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है। स्ट्रेनिंग सबसे पहले बहुत जरूरी है कि इसको अगर आप करते रहेंगे तो पाइल्स जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे। इसी प्रकार इसके जो ट्रीटमेंट की बात करें तो दुनिया में जो फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट कहे जाते हैं, देखिए बहुत से लोग कहते हैं जी एक इंजेक्शन से जड़ से बवासीर ठीक, उसको मेडिकल साइंस क्या कहती है, फेल्ड ट्रीटमेंट है 3 और 4 डिग्री पाइल्स में। फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री पाइल्स में तो ठीक है क्योंकि ब्लीडिंग रोकनी है। स्क्लेरोथेरेपी का मतलब हो गया इंजेक्शन लगा के बंद करना, रबड़ बैंड लाइगेशन का मतलब हो गया रबड़ बैंड लगा दिया मस्सा कट के निकल जाएगा, फोटोकोएगुलेशन है जो पहले होता था आज की डेट में लेजर आ गया है, साइटोथेरेपी फ्रीजिंग हो गया जिसको हम कहते हैं बेसिकली हम नाइट्रोजन ऑक्साइड से हम उसको लगाते हैं और उसको हम क्रायो सर्जरी भी कहते हैं जिससे हम उसको करते हैं। स्टेपल्ड हेमरोडक्टमी भी कामयाब नहीं होती है। इंडिकेशन क्या है, फेल्ड अदर ट्रीटमेंट सीवियरली पेन 3-4 कंकरेंट, ये क्योंकि मिनिमल इन्वेसिव है। अब कॉन्करेंट एनल कंडीशन एंड पेशेंट प्रेफरेंस सर्जिकल, अगर मैं सर्जिकल की बात करूं तो सर्जरी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इंफ्रारेड कोएगुलेशन, लेफ्ट कोएगुलेंट इंसर्टेड थ्रू दी एनोस्कोप, राइट कोएगुलेशन पॉइंट, ये बेसिकली इंफ्रारेड कोएगुलेशन करी गई कि पाइल मास को बर्न कर दिया गया। इसी प्रकार स्क्लेरोथेरेपी यानी कि पाइल्स में इंजेक्शन लगा दिया गया। कैन फास्टिंग में कॉज ब्लीडिंग पर रेक्टम, फास्टिंग देखिए फास्टिंग भी आपकी बॉडी में, ओवर फास्टिंग इज ऑल्सो हार्मफुल क्योंकि लिवर, अगर आपको डाइट नहीं मिलेगी तो लिवर आपकी बॉडी के एडिपोस टिश्यू को खाना शुरू करेगा और लिवर का BTCT डिस्टर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। यानी लिवर को जो भी चीज हेल्दी रखती है वही ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकता है। लाइगेशन अगर हम देखें तो किस प्रकार रबड़ बैंड लाइगेशन की जा रही है, इसमें हम स्टेप्स हैं कि आपने पाइल मास को पकड़ा, इसके अंदर स्क्लैपुला आएगा, रबड़ बैंड चढ़ जाएगा और लाइगेटर हो जाएगा। इंटरनल हेमोरॉइड्स को पुल्ड विद ड्रम रिंग और इंटरनल हेमोरॉइड, अपीयरेंस ऑफ हेमोरॉइड्स आफ्टर लाइगेशन, रबड़ बैंड लाइगेशन ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड्स, ये रबड़ बैंड लाइगेशन बड़े अच्छे से दिखाई गई है आपको। अब आप देख रहे हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स को, देखिए देखने में बवासीर ऐसी दिखती है प्रोक्टोस्कोप के अंदर। रबर बैंड लाइगेशन के स्टेप्स क्या है, पहले पाइल मास को पकड़ना है, इसकी गन होती है, गन वहां पर जाके चढ़ जाएगी और रबर बैंड उस पर अटैच हो जाएगा। एक्सीजन ऑफ थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स,
इसमें क्या करते हैं, पाइल मास को पकड़ते हैं और जड़ से काट देते हैं। बहुत से डॉक्टर इसमें लीच थेरेपी का प्रयोग करते हैं, लीच थेरेपी से थ्रोम्बोस निकल जाता है और हमें सूचर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, निक देके, इंसीजन देके क्लॉट को निकाल देते हैं और सेकेंडरी हीलिंग से भी हम थ्रोम्बोस पाइल को ठीक कर लेते हैं। इसके स्टेप्स हैं हेमरेक्टोमी के, पहले हम पकड़ेंगे उसको, एक्सपैंड करेंगे, पाइल मास को पकड़ लिया, धागे से बांध दिया। अब देखिए धागा बांधने की जो कला है ये भी मॉडर्न साइंस में होती है, और धागा बांधने की कला हिपोक्रेट्स हिंदिया से सीख के गए थे, लेकिन उनके देश में शार नहीं मिला तो शार सूत्र नहीं बना पाए, लेकिन बांधने की जो कला है वह शार सूत्र बंधन की है, जो आचार्य सुश्रुत ने 5000 साल पहले सर्जरी में लिख दिया गया। आज भी मॉडर्न डॉक्टर्स उसी को एप्लीकेबल करके चिकित्सा करते हैं। हेमरॉइड्स और पाइल्स में डिफरेंस पूछा है एक किसी हमारे मित्र ने, तो हेमरॉइड्स और पाइल्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअल हेमरॉइड्स जो ब्लीडिंग होती है उसको हेमरॉइड्स का नाम देते हैं, लेकिन जो पाइल्स होती हैं वो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स को भी हम पाइल्स को बेसिकली ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग दोनों कैटेगरी होती है, बट हेमरॉइड्स यूजली एक बॉल जिससे निरंतर ब्लड निकलता हो उसको बवासीर का नाम या हेमरॉइड्स वर्ड यूज करते हैं। आप देखेंगे आपने क्या किया, पकड़ा, कट किया और सूचर मार दिया, जो आजकल वाइकल और कैटगट सर्जरी होती है जिसे हम क्लोज्ड हेमरेक्टोमी भी कहते हैं। इसी प्रकार स्टेपल्ड सर्जरी भी की जाती है जिसके अंदर 2 mm की स्ट्रिप से लेकर 2 cm तक की स्ट्रिप काट के निकाल दी जाती है। ये सर्जरी के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट आता है, बट इससे स्ट्रिक्चर स्टेनोसिस गुदा मार का छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना एक कॉमन इश्यूज देखने को मिलता है। एनल फिशर की अगर हम बात करें, एनल फिशर, फिशर इन एनो इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट इन एनोडर्मा ऑफ द डिस्टल एनल कैनाल व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द एनल वर्ज प्रॉक्सिमली टुवर्ड्स बट नॉट बियॉन्ड द डेंटेड लाइन, यानी डेंटेड लाइन से नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा। एनल वॉल में जब इंजरी होती है तो फिशर डेवलप होता है। फिशर के अंदर ये तो यूजली यंग और मिडिल एज एडल्ट्स में होता है, फीमेल में कम होता है एज कंपेयर टू मेल के। पोस्टीरियर मिड लाइन यानी कि घड़ी का जो छठा काटा है यहां पर सबसे ज्यादा फिशर होता है 75%, 25% 12 o'clock और 3% में इन दोनों जगह। इसके अलावा कहीं और होता तो उसे एटिपिकल फिशर कहते हैं, जो कार्सिनोमा में होता है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस में होता है, एनल इंटरकोर्स से होता है, सिफिलिस से होता है या आईबीएस में होता है। ये जो फिशर होते हैं इसके अलावा जब तक आप उनका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, यानी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो फिशर हील नहीं करेगा, टीबी की दवाई नहीं चलाओगे तो फिशर हील नहीं करेगा, एचआईवी एड्स में भी होता है, जब CD4 काउंट कम हो जाता है तो भी फिशर होना डेवलप हो जाता है, जिसे हम एटिपिकल कहते हैं। और टिपिकल कहाँ होंगे इसको आपको समझना है। मान लीजिए कट यहाँ लगा और यहाँ लगा, ये हुआ टिपिकल फिशर जिसके अंदर कार्सिनोमा या हमारा टीबी ये सब बीमारियाँ नहीं आती। लेकिन अगर फिशर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये एक टिपिकल टाइप ऑफ फिशर होते हैं। इन इवेंट लेंथ ऑफ द ईच फिशर रिमार्कली कॉन्स्टेंट एक्सटेंड फ्रॉम डेंटल लाइन टू इनवर्ट एंड करस्पॉन्ड रफली टू द लोअर हाफ ऑफ इंटरनल स्पिंस्टर। पैथोलॉजी क्या है जी, हील प्रॉपर्ली विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सेकेंडरी चेंज इफ प्रेजेंट डज नॉट हील रेडली। मैंने सेकेंडरी चेंज क्या है भैया, वैसे तो फिशर होते हैं अपने आप भर जाते हैं, आप खाना पीना ठीक कर लो, गर्म पानी में सिकाई कर लो, कुछ लोग पोटेशियम परमैंगनेट से करते हैं, कुछ लोग उसके अंदर फिटकरी डाल के करते हैं, कुछ लोग सिट्स बाथ पाउडर का यूज करते हैं, कुछ लोग पंचवल्लक क्वाथ का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग गौमूत्र भी डाल के सिट्स बाथ करते हैं। वो तो है जी आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, डाइट ठीक कीजिए जो पाइल्स में ठीक करी, लाइफस्टाइल ठीक कीजिए आप ठीक हो जाए, और स्क्वैंटिंग एक्सरसाइज कीजिए। स्क्वैंटिंग एक्सरसाइज कैसे बेसिकली होती है, ऐसे करने के बाद अंदर की तरफ आपको गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ पुल करना है, तो उससे क्या होता है आपका फिशर रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर आपको सेंट्रल पाइल बन गया, हाइपरट्रोफिक इनल पैपिला, सेंट्रल पाइल का मतलब वहां पर खाल बाहर निकल आई, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हो गया है जिसका 6 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो आप समझ लीजिए ऐसी स्थिति के अंदर सेकेंडरी डेवलपमेंट हो गई है और उसका इलाज केवल और केवल सर्जरी है। इटलॉजी ये क्यों होता है, ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा कहाँ होता है, इनल वॉल पे होता है। लो रॉ फूड, वेजिटेबल, होल ग्रेन ब्रेड, वाइट ब्रेड, सॉसेज,
अगर आप डाइटरी हैबिट्स में ये चीज़ें यूज़ करते हो तो डिक्रीज रिस्क और इंक्रीज रिस्क हो जाता है। यानी कि अगर आप वाइट ब्रेड, जिसे कह सकते हो कि मैदा ज़्यादा खाओगे तो फिशर जल्दी होगा। रॉ फूड का मतलब है कि आप जो है सब्जियां आधी कच्ची आधी पक्की, यानी नेचुरोपैथी में जो कहते हैं भोजन आप ऐसा प्रयोग करते हो जो आपका नेचर से मिलता है, उससे डिक्रीज रिस्क हो जाता है। वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन। सेकेंडरी फिशर क्रॉन डिजीज, प्रीवियसली मैंने आपको बताया सर्जरी हो जाए, फिशला नैनो हो जाए, एंटीरियर फिशर फीमेल में हो जाए, लॉन्ग स्टैंडिंग लूज स्टूल क्रॉनिक लेक्सेटिव सिम। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ट्रॉमा हुआ, एबनॉर्मलिटी ऑफ इनलेंड स्फिंक्टर हुआ, हाई रेस्टिंग प्रेशर विद इंटरनल हेमरेज एंड स्फिंक्टर इन द फिशर देन इन नॉर्मल कंट्रोल। यानी क्या हुआ जी, आपने जोर लगाया, कट लग गया, और कट लगने के बाद क्या हुआ भैया, यहाँ कट लग गया, ये यहाँ कट लग गया, दो जगह कट लग गया, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। अभी जो कट है ये अपना फील नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि जोर लगा, ब्लड सप्लाई कम हुई, इस्चीमिया हो गया, और इस्चीमिया होने के बाद हीलिंग प्रोग्रेस नहीं हुई, और जो जख्म है ये एक अल्सर में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए फिशर को हम नॉन हीलिंग अल्सर भी कहते हैं। अब क्या लिखा, एलिवेटेड स्फिंक्टर प्रेशर कॉज इस्चीमिया ऑफ एल्गेनाल, जो मैंने आपको बताया अभी। पोस्टीरियर कमिश्नर, यानी कि 6 o'clock से लेके आपके कॉकिक्स तक जो एक लाइन जैसी है उसे हम पोस्टीरियर कमिश्नर कहते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो जख्म हीलिंग में नहीं जाता, इसलिए इसके अंदर लॉर्ड सिग्नल डायलिटेशन, शार्पाकन, LIS, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टमी ट्रीटमेंट मॉडल की तरह है। क्लिनिकल फीचर में शार्प एग्नोजिंग पेन, अच्छा इसका दर्द ऐसा होता पड़ोसी को पता लग जाता भाई साहब कि ये इंसान को फिसर है, क्योंकि इतनी तेज दर्द होता है कि ऐसा लगता है किसी ने चाकू से काट दिया। ब्लीडिंग होती है स्मॉल अमाउंट, इसमें परफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होती है, पाइल्स में परफ्यूज ब्लीडिंग होती है। 70% पेशेंट नॉट ब्राइट रेड कलर, मतलब ऐसा लगता है कि ब्राइट रेड कलर होता है इसके अंदर, नोट ब्राइट रेड कलर, यानी ये गाढ़ा खून नहीं होगा क्योंकि ये आर्टरी ब्लड है, और पाइल्स में वेनस पेशन होता है। डिस्चार्ज इरिटेशन प्रोएटिस एनी ड्यू टू मेलोडस डिस्चार्ज ऑफ पस, कॉन्स्टिपेशन पेनलेस, नॉन एलिफिशन विद ओकेजनल ब्लीडिंग मे बी आईबीडी। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, अक्यूट फिशर इज सीन ऑन लीनियर टीयर, लीनियर टीयर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैल्पिटेशन होती है, यानी टच करोगे ना तो भड़क टप 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 करता है, इसका मतलब उस मरीज को जो फिशर है वो हमारा अक्यूट फेस का फिशर है, क्रॉनिक में पैल्पिटेशन नहीं होती है। प्रोक्टोस्कोपी बेसिकली नहीं करनी चाहिए जब कभी भी अक्यूट फिशर हो, क्रॉनिक में कर सकते हो आप। तो ये आते हैं जी वेरियस एंटीरियर पोस्टर के अंदर देखें तो फिगर को एक्सप्लेन किया गया है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टूल पल्किंग एजेंट्स, वॉर्म सेट्स बाथ, सबसे अच्छा चिकित्सा क्या है, गर्म पानी से सिकाई करना, तेल डालना ऑयल को बस्ती के फॉर्म में, बेस्ट ट्रीटमेंट है। हील्ड 80% लोग हो जाते हैं, बट जो 20% होते हैं उनको नाइट्रोक्रिसलाइड, इनफिटेबिन या डिल्टीएजम का प्रयोग करना पड़ता है। फिर भी नहीं भरेगा तो क्रॉनिक फिशर को ओपन LIS कराना पड़ता है या क्लोज LIS कराना पड़ता है। कुछ लोगों को तो बोटॉक्स से आराम मिल जाता है, यानी अगर मैं बोलूं तो आपके पास ठीक ना होने के बाद एकमात्र ऑप्शन है, उसका नाम है लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टमी। अक्यूट किंगफिशर के अंदर हमने आपको दिखाया स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती है, हाई फाइबर डाइट लेंगे, फाइबर रिच डाइट जरूर, आप मान लीजिए पाइल से फिशर फिस्टुला, फाइबर रिच डाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब एडिक्वेट वाटर इंटेक, मतलब आपको पानी जो है बहुत ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आवश्यकता हमारे को पड़ती है कि हम इसके अंदर आपको इसमें लिखा है स्लिम डिस्चार्ज पर रेक्टम व्हाट इज दिस इंडिकेट, अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है तो आप इसको कह सकते हो कि मे बी एन IBS और मे बी अ कफज अर्श, लेकिन अगर जेली लाइक सब्सटेंस आ रहा है तो इट इज अ CA। तो आपको इस प्रकार आपको सिट्स बात करना है। फार्माकोलॉजिकली बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और ऑपरेटिव की बात करें तो आप मान लीजिए बहुत से सर्जन क्या करते हैं, फिशरेक्टमी करते हैं काट के, या स्पिंचरेक्टमी करते हैं, और ये प्रोसीजर हम आपको दिखा रहे हैं ये स्पिंचरेक्टमी का है, जहाँ लेटरल पार्शियल इंटरनल स्पिंचरेक्टमी करके हम टोन को रिड्यूस कर देते हैं और पोस्टीरियर कमिश्नर पे ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं। ब्लड सप्लाई जैसे बढ़ेगी
अपने आप फिशर हीलिंग में चला जाएगा। इसका एक इजी मेजर आज नहीं 5000 साल से पहले भी होता था और 5000 साल से भी हो रहा है, बाय शार पाथन। 35 सेकंड शार लगाइए, नींबू सोरस से धो दीजिए, एनल वॉल पे लगाना है शार, हाफ कटिंग प्रोक्टोस्कोप के साथ, और आप देखेंगे कि फिशर का ये सर्जरी वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्जरी है, रिकवरी में भी और प्लस टाइम टेकिंग में भी। 35 सेकंड्स ही शार लगाना है बस। तो फिशर को अगर मैं बोलूं तो एक फिशर को 5 मिनट में फिशर की सर्जरी की जा सकती है शार पातन के माध्यम से। ये माध्यम सूचर वाला माध्यम है जहां पर पूरा फिशर को काट कर बाद में सूचर कर दिया जाता है। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो कॉम्प्लिकेशन का नाम है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिक्चर एंड स्टेनोसिस, यानी रास्ता छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता अपनी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट को कहने के लिए कि फिशरेक्टमी आप करवाएं। पाइलोनेटल साइनस, अ साइनस ट्रैक एट नेटल क्लेफ्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ हेयर फॉलिकल, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर बालों का गुच्छा घुस गया जिसकी वजह से फोड़ा हो गया, और इस फोड़े का नाम क्या बना, पाइलोनेडल साइनस। इसके अंदर फोलाइटिस हो जाती है, एब्सेस हो जाता है, हेयर ट्रैपिंग होती है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है, और साइनस ट्रैप पे सेफेंड एसोसिएट विद कसोडिया, हिर्सोइड, सेडेंटरी ऑक्यूपेशन, ओबेस, पुअर हाइजीन। भैया साफ सफाई नहीं रखोगे, क्लीन नहीं रखोगे तो हाई चांसेस रहेंगे फिश किसके बनने के, पाइलोनेडल साइनस बनने के। प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक एब्सेस होता है और इसका ट्रीटमेंट है इंसिजन ड्रेनेज एंड रिकरेंस 40%, यानी अगर आपने चीरा लगवा के मवाद निकलवा ली तो 40% चांस है दोबारा से पाइलोनेडल साइनस बनने के। लेकिन अगर शारसूत्र विधि से इसकी चिकित्सा कराई जाए तो 98% चांस है कि आपको रिअकरेंस नहीं होगा। अब आते हैं जी, क्रॉनिक अगर हो चुका हो तो क्लोजर सेकेंडरी करते हैं और रिअकरेंस 8-15%। पेरिनल एब्सेस, ये भी एक बीमारी है जो गुदा मार्ग पे होती है जहां फोड़ा हो जाता है। अच्छा, हम जब पेरिनल एब्सेस की बात करते हैं, यूजली पेरिनल एब्सेस कन्वर्ट इंटू फिस्टुला होते ही होते हैं, तो इनके अंदर बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, स्पिंचर्ड एब्सेस होता है, एक्सटेंडेड होता है, डाउन हॉरिजॉन्टल रहा है, सर्कमफेरेंशियल रिजल्टिंग इन वेरियट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें चीरा लगा के निकाल देते हैं, लेकिन जब हम इसको समझें तो 4-10 ग्लैंड एट डेंटेड लाइन, ये इसका मेन ओरिजन है। इन्फेक्शन क्रिप्टोगैंडुलर एपिथेलियम में हो जाना, असेंडिंग इन्फेक्शन इनटू इंट्रास्पिंस्टिक स्पेस और बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा क्रॉन डिजीज होना, टीबी होना, कार्सिनोमा होना, ट्रॉमा होना और आईबीएस होना, ये भी साथ में फीचर होते हैं। अब होता क्या है फिस्टुला के अंदर, जिसे हम कह रहे हैं एब्सेस, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, ग्रैंडुलर सिक्रीशन स्टेटस, इन्फेक्शन होगा, एब्सेस बनेगा, क्रेप्ट बनेगा और सिक्रीशन निकलनी शुरू हो जाएगी। ये इस प्रकार हमारी, मतलब सबसे पहले क्या होगा, गंदगी इकट्ठी होगी, सड़ेगी, मवाद बनेगी, फिर फूट के निकल आएगी और रास्ता बना लेगी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, गुदा मार्ग के पास पस निकलना, एक ही स्थान पर फोड़ा होना और बार बार उससे मवाद निकलना फिस्टुला की पहचान है। इसके अलावा कई बार वहां पर हार्ड मास जैसा महसूस होता है, साइड ऑफ एब्सेस पेरिएनल, इस्चोरेक्टल एंड इंट्रास्पिस्टिक। पेरिएनल होगा तो दर्द होगा, पस निकलेगी, बुखार आएगा, लेकिन अगर इस्चोरेक्टल है तो चिल्स विद फीवर, यानी कि जाड़ा लग के बुखार भी आता है। इंडोरेटेड मास होता है, पूरा हार्ड मास होता है, टेंडर होता है। और इंट्रास्पिंस्टिक सुपरालिवेट्रिक होगा, यानी ऐसी स्थिति जहां पर सुपरालिवेट्रिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला होगा तो उसके अंदर रेक्टल पेन, चिल्स, फीवर, डिस्चार्ज पर रेक्टम, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये होता है क्योंकि इसके अंदर MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ही इकलौता ऐसा माध्यम है आज की करंट सिनारियों में जो आपको फिस्टुला के ट्रैक की जानकारी, उसकी लेंथ की जानकारी, उसकी वैरायटी की जानकारी देता है। हमारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था वैरायटी ऑफ फिस्टुला, वो आप समझेंगे। एब्सेस शुड बी ड्रेन आउट व्हेन डायग्नोस्ड, सिंपल सुपरफिशियल एब्सेस कैन मोस्ट ऑफन ड्रेन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया, पेशेंट विद मैनिफेस्ट सिम्टम इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, यानी कि अगर उसको और कोई बीमारी है, अगर प्लेन एब्सेस है तो हम क्या करते हैं, उसको निक लगा के उसमें शार लगा देते हैं। शार क्या करता है, पूरे उसके एब्सेस के जो उसका किसे कह सकते हो उसकी लेयर है,
क्योंकि हर एप्सिस की अपनी एक लेयर होती है जिसको हम पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उस मेम्ब्रेन को अगर नहीं निकाला तो दोबारा पस पैदा हो जाएगी। अगर इंटरस्पेसिफिक वैरायटी है तो आपको आप समझना है जी, इंसिजन एंड ड्रेनेज आपने कर तो दिया एनोटल एप्सिस का, फिस्टुला इन एनो जस्ट इसके बाद समझने की चीज है। इसके बाद क्या होता है, फिस्टुला इन एनो इज अ क्रॉनिक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी एक ऐसा रास्ता गुदा मार्ग में बन गया है, समझ लीजिए एक ऐसा रास्ता है जिसके दो ओर और छोर है, जिसे कहते हो इंटरनल ओपनिंग एंड एक्सटर्नल ओपनिंग। ये बेसिकली इंडुरेटेड है, डेड सेल्स है, इपिथिलाइज है, यूजली डिग्री विथ ग्रैनुलेशन टिश्यू, इंटरनल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग इसमें मिलती है, और कई बार इस तरीके वजाना में वेसिको वजाइल फिस्टुला भी होता है। अभी हमसे किसी ने पूछी थी वैरायटी ऑफ फिस्टुला क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। फिस्टुला इन एनो 50% में परसिस्टेंट फिस्टुला इन एनो डेवलप होता है, ओरिजिनेट इन्फेक्टेड क्रैप्ट, यानी अंदर जब गंदगी होती है एनल साइनस में जो मैंने आपको बताया एनल क्रैप्ट में, तो बाहर पहले सड़ेगा हिस्सा, मवाद पड़ेगी, मवाद फूट के बाहर निकलना चाहेगी, और जो बाहर निकलेगी जो रास्ता होगा उसको हम बगंदर या फिस्टुला इन एनो कहते हैं। तो उसी को हमने डिटेल में यहाँ पर समझाया। डायग्नोसिस बनाने का तरीका गुडसॉल रूल, गुडसॉल रूल आपको डिटेल में समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि गुडसॉल रूल के द्वारा सर्जरी कैसे की जाती है। जहां पर अगर मैं बताऊं गुडसॉल रूल को इजीली इजी मेथड में, तो आप समझ लीजिए ये गुदा मार्ग है, 3 और 9 एक कांटा हमने बनाया, यानी 3 o'clock और 9 o'clock। अगर ओपनिंग 3.75 सेंटीमीटर से दूर है ये, तो ये सारी ओपनिंग 6 पे खुलेंगी, परंतु अगर ये नजदीक है तो ये स्ट्रेट खुलेंगी। लेकिन जितनी भी ओपनिंग 3 और 9 से नीचे है, पोस्टीरियर है, ये सब कर्व्ड होती हैं, चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो। तो इसलिए गुडसॉल रूल बहुत जरूरी है इसको डायग्नोस करने के लिए कि इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहां आ रही है। इसी प्रकार फिस्टुला की जो वैरायटीज की अगर हम बात करें, तो इंटरनली ब्लाइंड फिस्टुला, एक्सटर्नली ब्लाइंड फिस्टुला, ये एक वैरायटी है। इंटरस्पिंस्टिक, ट्रांसपिंस्टिक, सुपरास्पिंस्टिक, ये एक और वैरायटी है। हाई एनल फिस्टुला, यानी जो डेंटेड लाइन से ऊपर खुलता हो या डेंटेड लाइन के पास खुलता हो, वो कौन सी वैरायटी है, वो हाई लेवल फिस्टुला है। डेंटेड लाइन से नीचे खुलने वाले लो लेवल ऑफ फिस्टुला है, वही आपको यहां पर बताया गया है। इस फिगर से आपको क्लैरिटी हो जाएगी, हम देखते हैं। देखिए ये हमारी डेंटेड लाइन है, अब जो भी फिस्टुला यहां नीचे खुलेगा ये सारे फिस्टुला लो एनल है, जो ऊपर खुलेंगे हाई एनल है। अब ये क्या बता रहे हैं जी, ग्रेड वन ये है जी इंटरस्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। ग्रेड टू क्या है हमारा, ट्रांसपिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, क्योंकि ये दो फिस्टुला के ऊपर से क्रॉस होके जा रहा है। फिर है जी सुपरास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, ये है सुपरास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। यूजली हम इसको कई बार सुपरा लिवेट्रिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला भी कह देते हैं, लेकिन ये जो ऊपर कनेक्शन बन रहा है जिसको हमने थर्ड में रखा, जिसको हमने सुपरास्पिंस्टिक बोला, और हमने इसको एक एक्स्ट्रास्पिंस्टिक प्राइमरी ट्रैक बोला, अलग अलग वैरायटी, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों को ही हम सुपरास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला में रखकर इनकी चिकित्सा करते हैं, क्योंकि दोनों ही स्पिंस्टर के ऊपर से घूम के जा रहे हैं। अब इनके अंदर जो प्रोबिंग करनी है तो कैसे करनी है, देखिए ये हमारा ट्रैक है तो प्रोब इसके अंदर ऐसे जाएगी, जब हम ट्रांसपिंस्टिक को करेंगे तो प्रोब की शेप ये होगी, खुलेंगे सब डेंटेड लाइन के पास, डेंटेड लाइन से दूर किसी को नहीं खुलना, सबको डेंटेड लाइन के पास खुलना है। इसके अलावा जब हम सुपरास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, देखिए ये भी डेंटेड लाइन के पास आ रहा है, जब हम हाई रेटल की बात कहते हैं तो भी हम यही खोलेंगे, ये ट्रैक अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्स ऑफ पस फॉर्मेशन है वो सबका एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज एनल साइनस। अगर आप यहां तक प्रोब लेके गए और यहां से आपने पस को रास्ता दे दिया तो ही पस निकल जाएगी,
क्योंकि अगर पस नहीं निकल पाई तो रीफॉर्मेशन लेगी और दोबारा फिस्टुला डेवलप हो जाएगा। और हमारे को ये क्लियरली सीखना है कि पहले ड्रेनिंग देन हीलिंग, यानी सबसे पहले हमें मवाद को निकाल देना है, क्योंकि अगर मवाद को नहीं निकालेंगे तो दोबारा होने का चांस रहेगा। इसके लिए MRI मैं सजेस्ट करता हूं कि MRI सबसे बेस्ट रहता है। फिस्टुलेक्टमी की अगर हम बात करें तो फिस्टुलेक्टमी एक टेक्निक होती है जहां पर पूरे रास्ते को काट दिया जाता है ऐसे, और बाद में सूचर मार दिए जाते हैं। इसकी सक्सेस रेट वेरिएबल है। अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो सक्सेस रेट इसके अंदर 60-40 का रेशियो लेके चलती है, यानी 40% रिकरेंस रेट रहता है हाई इल वैरायटी ऑफ फिस्टुला के अंदर। उसके अंदर सेटन का प्रयोग करना, सेटन यानी कि शार सूत्र। मॉडर्न सर्जन क्या करते हैं, हाफ कट करके हाफ के अंदर प्रोलीन थ्रेड डालते हैं सेटन के फॉर्म में, और हम शार सूत्र सर्जन पूरे ही ट्रैक में शार सूत्र डालते हैं, या फिर हम एक्सटर्नली क्रैप को काट देते हैं और इंटरनली के अंदर शार सूत्र डाल देते हैं। अब हम देख रहे हैं कटिंग ऑफ सेटन। अब ये जो धागा होता है ये हर 7वें दिन बदलना है, क्योंकि इसके अंदर जो सुनूही, अपमार्ग और हल्दी लगी है इसकी जो क्षमता है, शुरू के 3 से 4 दिन का कटिंग और उसके बाद 4 दिन की हीलिंग, यानी एक हफ्ते में 4 mm रास्ता ठीक होता है। यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, फिस्टुला ठीक होने में कितना समय लगता है। MRI के हिसाब से अगर मान लीजिए एक इंसान का फिस्टुला 4.5 mm का है, इसका मतलब ये हो गया जी 45 mm, और एक हफ्ते के अंदर अगर 4 mm रास्ता ठीक हुआ तो 45 / 4 तो अप्रोक्सीमेटली निकाल लें तो करीबन 12 हफ्ते बैठेंगे, यानी 12 वीक्स मिनिमम चाहिए बगंदर को ठीक करने के लिए। लिफ्ट प्रोसीजर भी किया जाता है जिसके अंदर ग्राफ्टिंग करके वहां लगाई जाती है, इसके सक्सेस रेट भी वेरिएबल है। रेक्टल प्रोलैप्स की अगर हम बात करें, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब गुदा भ्रंश, बच्चों में बहुत होता है ये, यूजली स्ट्रेनिंग करने से होता है लूज मोशन में या कॉन्स्टिपेशन में, इस प्रकार ये बाहर निकल आता है। ये फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल में, और या फिर बुढ़ापे में बहुत ज्यादा होता है। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, म्यूकोसल प्रोलैप्स जिसके अंदर पिंकिश आएगा, फुल थिकस प्रोलैप्स जिसके अंदर लेयर्स बाहर आएंगी। रिस्क फैक्टर क्या होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया, टोन पेरिटोनियम, या फिर क्या नाम है यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, पेशाब रुक जाए, जोर लगाना पड़ेगा तो भी हो जाएगा। इसी बात सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, न्यूरोजेनिक डिफेक्ट हो जाए तो भी होता है। एनाटॉमी एबनॉर्मलिटी में क्या होता है, डीप रेक्टोवेजाइनल रेक्टोसेकल पाउच बन जाता है, लेग्स पेल्विक फ्लोर मसल हो जाती है, यानी जो पेल्विक मसल फ्लोर है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, रिडक्टेंट हो जाता है, और पुडेंटल नर्व इंजरी भी हो जाती है, तब भी ऐसा होता है। प्रेजेंटेशन कैसी होती है, बार बार लेटरिंग का दबाव आएगा, ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकस डिस्चार्ज आ सकता है, कब्जी हो सकती है, फीकल इनकॉन्सिस्टेंस होता है, उसके इनकॉन्सिस्टेंस का मतलब भैया कंट्रोल नहीं है लेटरिंग का, कभी भी लेटरिंग आ जाती है। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, रेक्टल प्रोलैप्स और इनकार्नेटेड होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, अल्सरेशन होना, स्ट्रैंगुलेशन हो जाना, लेटरिंग का फंस जाना, ये कष्ट है। यूरिनरी फीकल इनकॉन्टिनेंस और स्पॉन्टेनियस रप्चर विद एवर्जन, कई बार क्या होता है फट जाता है। अब इसका पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है, देखिए MRI कोलोनोस्कोपी से अच्छा है कि आप एनीमा लगा के उसको बोले कि पॉटी में बैठ जा, जो बाहर आएगा वो सबसे ईजिली एग्जामिनेबल है, क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन लिथोटमी पोजिशन पे करना सबसे बेनिफिशियल सिद्ध होता है। ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम इसकी सर्जरी करते हैं तो पेरिनल अप्रोच भी होती है, इसकी सर्जरी होती है जिसके अंदर अगर आप देखें तो पेरिनियम के रास्ते से घुसकर हम उसको कट करके, देखिए यहाँ से घुसेंगे, अंदर आएंगे और कट करके सूचर मार के, जिसे हम थर्श भी कहते हैं, सूचर मार देते हैं प्रोलैप्स के हिस्से को, जिसको हम प्रोक्टोसिग्मोटोमी भी कहते हैं। लेकिन कई बार इसको करने के बाद भी मरीज को वो फीलिंग ऑफ कंफर्टेबलनेस नहीं आती जो शार कर्म के बाद देखने को मिलती है। शार कर्म एक ऐसा प्रोसीजर है जो डे केयर प्रोसीजर है, जिसमें कराकर आप अपने घर जा सकते हैं। शार
अप्लाई किया जाता है, शार बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रोकॉटरी की तरह काम करता है, बर्न कर देता है उस लेयर को जो भूल गई है दोबारा से चिपक जाना, अपने स्थान पे वापस चली जाना। तो अब क्या होगा, वो सारा हिस्सा जो था एबनॉर्मल वो शट ऑफ होगा और जो नया आएगा वो फिर से इलास्टिक आएगा, यानी उसकी पहले जैसी क्षमता हो जाएगी। तो उसके अंदर एब्डोमिन या रेक्टोसिग्मोइडोपेक्सी, जिसे हम कहते हैं रेक्टोपेक्सी भी, ये भी प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एब्डोमिन वॉल से एंटर होते हैं। इन सारे प्रोसीजर्स के अंदर सक्सेस रेट वेरिएबल है। इसके अलावा रिंग सर्जरी भी की जाती है, जिसके अंदर रिंग सर्जरी में रिंग अप्लाई कर दिया जाता है या मैश लगा दी जाती है, ये भी एक सर्जरी है। इन सबकी सक्सेस रेट वेरिएबल है। बहुत बार हमने अपने पेशेंट्स में देखा है कि पेशेंट में रिकरेंस होता है, बहुत लंबे समय तक उनको बेड रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन शार्प आतन के बाद उनको 90% सक्सेस रेट पहली ही सिटिंग में प्राप्त हो जाता है। तो आज का हमारा सेशन, सारे क्वेश्चन और आंसर हमने दे दिए हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार हमारी बॉडी में गुदा मार्ग संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसके अंदर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एप्सिस, रेक्टल प्रोलैप्स, इन सबकी चिकित्सा आज पूरे विश्व के अंदर शार सूत्र को अपना स्थान स्थापित किया है, पायनियर से दुआ है, और WHO कहता है कि इसका सक्सेस रेट अदर मॉडर्न वेज से कंपेरेटिवली हमेशा बेटर प्रूफ है। मैं डॉक्टर विकास गुप्ता अब तक 9000 से ज्यादा सर्जरीज कर चुका हूं, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शार सूत्रा का एक तो रिकवरी रेट अच्छा है, बेड रेस्ट नहीं चाहिए, मरीज को लॉन्ग स्टैंडिंग एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं है और ना ही लॉन्ग स्टैंडिंग पेन पिल लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।